वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीपोजिशन पार्ट टू। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफाइड किया गया था उसे कि प्रीपोजिशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें पोजिशन बेस्ड प्रीपोजिशन। तो आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। वर्ड्स डिनोटिंग पोजिशन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को डिनोट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑन। ठीक है, ऑन का मतलब होता है हिंदी में पर, इतना तो पता ही होगा जनरली सभी को। जब कोई आर्टिकल किसी दूसरी आर्टिकल के टच में होती है, ठीक है, तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब कि बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है, जस्ट नीचे, ऑन के जस्ट नीचे हमारा है अपॉन। ठीक है, अब ऑन का भी ऊपर के ही सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे जब कोई चीज़ किसी मोशन से किसी दूसरी वस्तु के ऊपर या किसी दूसरी आर्टिकल के ऊपर टच होती है, तो वहाँ पे हम अप ऑन का यूज़ करते हैं। बेसिकली दोनों में छोटी सी, बहुत छोटी सी इसमें माइनर से डिफरेंस है। ऑन में मोशन नहीं होता और अप ऑन की कंडीशन में मोशन होगा। ठीक है, तो अपॉन का एग्जाम्पल हम क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं द कैट जम्प ऑन द रैट, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि जब इस सेंटेंस में हमें मोशन दिख रहा है द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, मतलब कि कैट जब जम्प करेगी तो उसके जम्प करने में मोशन होगा, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ हम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अपॉन का यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऑन एंड अपॉन। ठीक है, सेम नेक्स्ट है हमारा इन। देखिए, इसमें इन इन का मतलब तो होता है मे। ठीक है, मतलब हम किसी भी कोई भी आर्टिकल अगर दूसरे आर्टिकल के ऊपर रखी होती है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्लियर कर सकते हैं, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। इन टू का जनरली यूज़ किसी लिक्विड, मतलब लिक्विड चीज़ के लिए होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय जम्प्ड इन टू द रिवर। ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जंप अगर कोई करता है या स्विमिंग करता है, तो उसमें मोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन टू का यूज़ करेंगे, द बॉय जम्प्ड इन टू द रिवर। ठीक है, मतलब इसका सेंस हम लगा सकते हैं मोशन में अंदर की तरफ। तो ये हमारा इनटू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर। ओवर का जो यूज़ होता है वो जनरली हम किसी भी आर्टिकल के ऊपर अगर कोई दूसरी आर्टिकल होती है लेकिन वो टच में नहीं हो, उस सेंस में करते हैं। और अगर किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु या दूसरी आर्टिकल का आवरण हो, मतलब वो कवर किया हुआ हो, ठीक है, टच हो भी सकता और टच नहीं भी हो सकता, इस कंडीशन में हम ओवर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ रूफ ओवर अवर हेड। ठीक है, मतलब हमें हमारे ऊपर एक छत की ज़रूरत है, वी नीड अ रूफ ओवर अवर हेड। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओवर का यूज़ हम किस सेंस में करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड। ठीक है, देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड, मतलब हमारे ऊपर एक फ़ैन है, तो फैन हमारे ऊपर, इसका सेंस कि फ़ैन हमारे टच में नहीं है बट हमारे ऊपर है, तो इस सेंस में हम ओवर का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अप। ठीक है, तो यहाँ पे अप का मीन्स तो पता ही होगा, अप का मीन्स है ऊपर। ठीक है, तो अप का यूज़ करने मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमारे ऊपर जाती हुई, ऊपर जाता हुआ अगर होता है, तो वहाँ पे हम अप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेम उसी टाइप से है हमारा अप टू, मतलब कि ऊपर जाते हुए किसी चीज़ को अगर टच करता है, तो वहाँ पे अप टू का यूज़ होगा। माइनर सा डिफरेंस है अप और अप टू, ऊपर की तरफ अप और ऊपर की तरफ जाके अगर वो किसी चीज़ को टच करता है, तो वहाँ पे अप टू का यूज़ होगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए डाउन। डाउन का मतलब सेम अप का अपोजिट है डाउन, नीचे की तरफ जाता हुआ अगर कोई आर्टिकल
हमें पढ़ने मतलब कि कोई भी पैराग्राफ या लाइन पढ़ के अगर लग रहा है कि कोई आर्टिकल नीचे की तरफ जा रही है तो वहाँ पे हमारा होता है डाउन। जनरली हम ये भी यूज़ करते हैं इकोनॉमी स्लो डाउन, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और अंडर का मीन्स होता है कि अगर नेक्स्ट है उसके नीचे अंडर, अंडर का मीन्स है कि अगर कोई आर्टिकल किसी दूसरी आर्टिकल के नीचे रखी हुई होती है तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अब बॉय इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो ये हो गया हमारा अंडर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड, ठीक है। बिसाइड का मीन्स होता है किसी भी चीज़ के बगल में, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि माई हाउस इज बिसाइड अ शॉपिंग मॉल, ठीक। मतलब कि हमारा जो हाउस है वो शॉपिंग मॉल के बगल में। जनरली बिसाइड का मीन्स अगर हमें पता होगा तो हमें उसका यूज़ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पार करना, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को पार करना या आर पार करना, दोनों का मीन्स हमारा अपॉन ही मतलब सॉरी अक्रॉस ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं अगर थोड़ा इसमें कुछ डाउट हो तो, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के सेंस में हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। मतलब अक्रॉस का यूज़ हम करेंगे करेंगे तो हम एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देख सकते हैं, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। मतलब रिवर को पार करने का सेंस है, मतलब इस पार से उस पार जाने के सेंस में अक्रॉस का यूज़ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट, ठीक है। वैसे तो अगर हम अगेंस्ट देखते हैं तो अगेंस्ट का मीन्स तो ये भी होता है कि विरोध में, ठीक है, किसी के अगेंस्ट जाना, वहाँ पे हमारा अगेंस्ट का मीन्स अपोजिट होगा। और एक अगेंस्ट होता है मतलब कि किसी चीज़ के सहारे टिक कर खड़े होना, उसके सेंस में भी हम प्रीपोजिशन में अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे एक तो एग्जाम्पल हो गया आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म मतलब कि मैं टेररिज्म के अगेंस्ट हूँ, एक तो अगेंस्ट ये हो गया। और दूसरा जहाँ पे हम किसी आर्टिकल के लिए अगर हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, ठीक है। डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग मतलब कि रेलिंग से टिक कर मत खड़े हो, मतलब रेलिंग से टिक कर। जैसे कि ये देखिए, ये जैसे हमारी कोई रेलिंग हो गई या बाउंड्री हो गई, और उससे टिक के खड़े होना, इस सेंस में भी अगेंस्ट का यूज़ होता है। और एक तो अगेंस्ट का मीन्स हमारा हो गया कि किसी भी चीज़ का विरोध करना, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा एबव, ठीक है। एबव मीन्स होता है ऊपर की तरफ और बिलो मीन्स होगा हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मीन्स हमारा बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का लेवल बताने के लिए, ठीक है। लेवल बताने के लिए हमारा एबव और बिलो का यूज़ होगा। जैसे देखिए इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, हिज इंग्लिश इज़ बिलो एवरेज, मतलब कि एक स्टैंडर्ड या लेवल तय किया जा रहा है। हिज इंग्लिश इज़ बिलो एवरेज मतलब कि उसकी इंग्लिश एवरेज से थोड़ी कम है, ठीक है। एबव का यूज़ हम कर सकते हैं, द रिवर इज़ फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल, ठीक है। जनरली न्यूज़पेपर में हम देखते हैं द रिवर इज़ फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल, मतलब कि एक लेवल बनाया गया उस लेवल के ऊपर, ठीक है, और उस लेवल के नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। देखिए मतलब पोजीशन के बेस पे हमारे सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, वो उस पर डिफाइन करता है कि हमारा देखिए जैसे यहाँ पे एक हमने मतलब मैंने इसे ड्रॉ किया है ताकि जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये एक बॉक्स है, बॉक्स का नाम है बी और ए उस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे ए इज़ इन द नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, इन, कौन सी कंडीशन में, जब ए बी बॉक्स के अंदर बना हुआ है, ए इज़ इन द नॉर्थ ऑफ बी। आई होप क्लियर हो गया होगा इस ड्रॉ किए हुए बॉक्स को देख के। नेक्स्ट है हमारा इस बॉक्स में देखिए बी ये बॉक्स है और ये जो ए है वो उस बॉक्स के बाहर की तरफ है,
मतलब नॉर्थ के साइड पे है, तो यहाँ पे हम इसे कैसे ले, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा? ए इज़ टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए इज़ टू द नॉर्थ ऑफ बी। आई होप क्लियर होगा। तो पोजीशन के हिसाब से हमारा जो प्रीपोजिशन है वो चेंज होते रहता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू, ठीक है, एंड एक हमारा प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स, ठीक है। टुवर्ड्स का मीन्स होता है की ओर, और टू का मतलब होता है की तरफ। दोनों का मीन्स सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत माइनर सी डिफरेंस है। टू का यूज़ हम डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हैं, जनरली टू का यूज़ हम डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हैं, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है, सी इज़ गोइंग टू होम, सी इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और टुवर्ड्स का भी यूज हम जाने के ही सेंस में करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए टुवर्ड्स का यूज़ किया जाता है, और डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। तो टुवर्ड्स में हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, मीन्स कि वो कॉलेज की तरफ जा रहा है, कॉलेज के डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा थ्रो, ठीक है। अब देखिए, इसमें थ्रो का मतलब होता है कि कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, और उसके एक सिरे से होके दूसरे सिरे की तरफ जाना, इस मतलब इस टाइप की अगर कोई हमारी पोजीशन बनती है तो वहाँ पे हम थ्रो का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, इसमें फर्स्ट हमारा मतलब जैसे फिलर्स हमें एग्ज़ाम में कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द ट्रेन पास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स द टनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन को फिल करना है, तो यहाँ पे हम थ्रो ऑप्शन में होगा, ठीक है, इन ऑप्शन में होगा, तो इन का तो यूज़ नहीं कर सकते, इन टू का भी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इन टू का जो यूज़ होता है वो बेसिकली मैक्सिमम टाइम जो इन टू का यूज़ होता है वो लिक्विड फॉर्म के लिए होता है। यहाँ पे होगा द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, मतलब कि जो ट्रेन है वो टनल से होके गुजर रही है, ठीक है, टनल से होके गुजर रही है, तो यहाँ पे हुआ थ्रो। नेक्स्ट है द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी फिलिंग द ब्लैंक्स हर, मतलब कि किसी से होके गुजरना, द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी थ्रू हर, मतलब कि उससे होके, उसके द्वारा या उससे होके वो मैसेज मेरे तक आया, मतलब मुझ तक आया, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं थ्रो का यूज़ करते हैं इन दो सिचुएशंस में। तो हमारा यहाँ पे जो थ्रो है वो बेस्ट पोजीशन होती है इस टाइप के सेंटेंस के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और हमारे साथ बने रहें इस चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी। आई होप जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा।